नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। जी हां, किसी तरह का कोई राजनीतिक तीखा टिप्पणी नहीं होगी, बल्कि जिक्र उस बात का होगा जहां वो जंतर मंतर में बैठे पंजाब से आए कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात इस बात को लेकर है कि आप किसानों को लेकर जो भी यहां पर मांग कर रहे हैं उनको हमारा भी समर्थन है और आपसे हम लगातार बात करने आते रहेंगे। हालांकि राहुल और प्रियंका ये कहते कहते कब छुट्टियों पर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कभी वो रात में यहीं इसी देश में होते हैं और सुबह पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइट है वो मिलान के लिए पकड़ ली है। ये सारी की सारी चीज़ें बीते कुछ वक्त में सामने आती रही हैं। चुनाव हार के बाद उनका छुट्टियों पर चले जाना, देश में कोई ज्वलंत मुद्दा चल रहा होता है जिसको लेकर के लगता है कि अब कांग्रेस आएगी और कुछ ऐसा कह जाएगी जिससे सरकार बैकफुट पर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ सामने निकल कर आता ही नहीं है क्योंकि आपकी टॉप लीडरशिप की हालत क्या है वो हम और आप लगातार देख ही रहे हैं। G23 ये किसी ऐसा लगता है कि किसी विदेशी संगठन की मुलाकात होने जा रही है, लेकिन ये वो दरअसल नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को लेकर के, उसकी टॉप लीडरशिप को लेकर के, उनके ओपिनियन मेकर्स को लेकर के पहली बार सवाल उठाए थे और उसके बाद इन्हीं मुद्दों पर उलझती रह गई कांग्रेस। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि भविष्य क्या होगा, तस्वीर धुंधली है। और ऐसे में अगर प्रियंका और राहुल इन किसानों से इन नेताओं से मिलने जाते भी हैं, कांग्रेसी नेताओं से मिलने, तो भी ये नेशनल हेडलाइंस का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि, और अगर जो लोग बनाते भी हैं वो लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि और कुछ है नहीं, वो जगह रिक्त पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है और उसे सिर्फ इसीलिए भरा जा सकता है क्योंकि वो दोनों मिलकर आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास और कुछ है नहीं, वरना इस मुद्दे पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, बीते इतने महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 2 महीने होने वाले हैं जब किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। इसकी वजह यही है कि उनके पास टॉप लीडरशिप बिल्कुल खोखली है क्योंकि साफ तौर पर समझ आ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ और जानकारियां किसान आंदोलन से निकल कर आएंगी तो आपको यहां पर उसकी जानकारी जरूर मिलेगी।